बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम और फजल और शुक्र के साथ ही आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मुंडा कारपेंटर। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते हैं, बहुत शुक्रिया। तो आज के करते हैं व्लॉग स्टार्ट। आज है जुमा, तो हम लोगों ने तैयारी श्यारी फुल कर ली है जुमे नमाज की, और इंशाल्लाह अभी जाएंगे वहीं हमारे पुराने वाले फ्लैट पे, वहाँ पे जाकर अपना काम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद ठीक राइट 1 बजे 1:15 बजे छुट्टी करेंगे और जाएंगे जुम नमाज के लिए। तो फाइनली हम यही पुराने वाले बंगले पे थे जहाँ पहले काम किया था, तो अभी निकल रहे हैं अपने काम की तरफ। तो मिलते हैं अपने काम। फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं काम की तरफ, तो अभी रास्ते में हमारा बाइक है, तो बाइक बहुत ही गर्म हो चुका है, मतलब तकरीबन 7-8 किलोमीटर है वहाँ से दूसरी साइड से यहाँ। तो अभी बहुत ही गर्म हुआ पड़ा है, काफ़ी हाथ लगा रहे, क्योंकि सर्दी है तो हाथ लगाने में मज़ा आता है, अगर गर्मी होती तो हाथ जलने का खतरा होता है। तो माशाल्लाह ये हमें उठा के लेके आती है और लेके जाती है रात को। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने काम पर यहाँ पर। तो कुछ दरवाजे हम लोगों ने रहते थे ये भी फिटिंग कर ली थी, तो अभी कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े चेंज कर फिर आपके साथ गपशप लगाएंगे और दूसरे लड़के भी आ जाएंगे। दोबारा चेंज कर लिए हैं कपड़े, चेंज कर दिए हम लोगों ने। तो अभी बादशाह चौपाठे भी तैयार हो चुके हैं, यहाँ तो अंधेरा है, आपको इस तरह से दिखा दिए। अभी इन्होंने पहले इस जगह पे लगाई हुई थी पट्टी, तो ये सामने वाले साइड से नहीं लगाए थे, तो अब ये सामने से भी लगवाई है दोबारा उतार कर। तो अब ये बशरा खूबसूरत लग रही है चौकटे, तो ये जो अभी खूबसूरत लग रही है चौकटे, पहले अजीब सी लग रही थी क्योंकि ये जगह छोड़ दी थी, जैसे कि ये जगह छोड़ी हुई है ये जगह, तो घर कंप्लीट कर दिया है, तो बादशाह ज़बरदस्त हो गया काम। और रात को बिजली वाला भी आया था, उसने भी काम किया गया। डब्बे ये हैं, डब्बे उसके ये बिजली वाले के बोर्ड लगते हैं इसके, इधर भी कुछ उसने नीचे फिट किया है, वो आपको भी दिखाऊंगा। तो अभी आ चुका हूँ बादशाह। कराची में सर्दी बहुत ही कम होती है यहाँ पर, तो आपको बाहर का व्यू भी थोड़ा सा, सूरज फुल निकला हुआ है ऊपर, तो बाहर का व्यू ये है, बिल्डिंगें हैं पीछे हमारे और खाली प्लाट पड़ा हुआ है, तकरीबन और खाली प्लाट पड़े हुए हैं। तो शादी में नीचे सफाई कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग करते हैं। तो अभी तक फलक भी नहीं आया और जमशेद भी नहीं आया, जमशेद भाई, तो वो आते हैं तो इंशाल्लाह उनके साथ भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो वाशरूम का वाशरूम काफ़ी काम हो चुका है और बहुत ही मतलब ये काम ज़बरदस्त हो जाएगा। ओके हो जाएगा बिल्कुल। बस अभी चलते हैं नीचे, शाहदेव को मिलते हैं चलकर, शाहदेव भी नीचे हैं, ये घर पर शाहदेव कॉल तो करते हैं, पूरे बगल को सर पे उठा के घोबरा होता है, पता है क्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वाले, ठीक ठाक। अभी तक फलक शेर भी नहीं आया था दूसरा, तो उनका इंतज़ार हो रहा है। टाइम कब तकरीबन हुआ है 7:45 का, तो 9 बजे आएंगे। तो हम लोगों ने सफाई भी कर ली, आज हम चलती आ गए, तो सफाई भी हम लोगों ने कर ली अपने अड्डे की। तो जब हम काम सीखने जाते थे तो सबसे पहले हमारा काम भी यही होता है कि किसी का भी हो, घर पे भी हो या काम पे हो, तो सबसे पहले सफाई करते हैं। जैसे कभी साफ़ सुथरा हो गया तो खूबसूरत लग रहा है अट्टा, ये बिल्कुल साफ बिल्कुल फिक्सिंग पे आ गया, तो काम करने का भी यही भी अभी मज़ा आएगा, तो सफाई पहले करनी चाहिए। तो आज जुमातुल मुबारक का दिन है इंशाल्लाह, तो काम करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 बजे इंशाल्लाह 1:15 बजे जाएंगे जुमा नमाज के लिए, तो
वेट करूँगा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता है जो नमाज के अंदर दौरान वीडियो बनाना। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अभी रात को निकल रहे थे, तो भाई निकल रहे थे तो मैंने कहा रास्ते की वीडियो बनाऊँगा। अगर रास्ते का थोड़ा सा मसला चल रहा था, सिक्योरिटी वगैरह ये वो निज़ाम था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। मैंने कहा पता नहीं मुनासिब है या नहीं है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। उस चीज़ की भाई माजरत मेरी तरफ से, क्योंकि वहाँ से जब मैंने निकला तो मैंने कहा तो सबको भी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। तो दूसरा स्टिक मैंने ले लिया, मेरे पास स्टिक थी वो टूट चुकी है, तो अभी मोबाइल को हाथ में पकड़ पकड़ के हाथ दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो नीचे अभी ये देखा हाथ रख के खड़ा हुआ इसको सीधा पकड़ने में, तो बहुत ही तंगी होती है, मसला होता है। तो इंशाल्लाह अभी टाइम ही नहीं मिल रहा, तो टाइम जैसे मिलेगा तो हम जाएंगे स्टिक लेके आएंगे। और शाहजेब भाई भी कहीं काम से गए हुए हैं, तो शाहजेब भाई भी अभी तक नहीं आए। अगर वो आएंगे तो उन्हें मैंने बोला था उनको स्टिक लेनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे वापस आता हूँ काम से होकर तो फिर इंशाल्लाह चलेंगे आपको स्टिक भी लेके देंगे। तो फिलहाल तो अभी काम पे हैं शाहजेब भाई, कई काम की तरफ वजह से कहीं गए हुए दो तीन दिन के लिए, तो आ जाएंगे। वो जैसे आएंगे तो इंशाल्लाह फिर चलेंगे, चल कर लोग वो अपना स्टिक ले लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक लड़के नहीं आए, क्योंकि हमारी जो टाइमिंग है काम की वो 9 बजे स्टार्ट होता है, तो हम लोग तो आगे सफाई वगैरह तो करती है, तो इंशाल्लाह बस काम स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर तक। तो जैसे ही आते हैं फल शहर और वो, तो फिर आपके साथ में मुलाकात करवाते हैं। बहुत है ये देखे काफ़ी पुराना है, छतें भी मतलब गिरी हुई है इसकी, ये देखे ये कुछ मरम्मत के काम होने वाले। और आईना बचा हुआ है, और देख रहे कितना काफ़ी पुराना होगा आईना जो ये लगा हुआ है, तो आप भी देख रहे होंगे बीच में। तो बस यही है, वॉशरूम का भी हालत यही है। तो कमरों की मरम्मत हुई पड़ी है, उन्होंने ये फ्रेश करवा दिए हैं कमरे बिल्कुल ज़बरदस्त, भाई पॉलिश वगैरह स्टार्ट करेंगे अभी। तो ये बिट भी आ चुके हमारे, ये जो उसकी फिनिशिंग के लिए रूटर लेके आए थे, तो लड़का लेने के अब रूटर वो जैसे लेके आता है तो इंशाल्लाह लगाते हैं। रूटर वो नहीं है जो पानी देता है, ये रूटर है और इस मशीन है ये, तो इसको रूटर बोलते हैं। तो ये लेने के आपको दिखा देता हूँ, पहले भी मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, तो अभी भी लेके आता है तो दिखा दी भी बस। रूटर आ चुका है, ये है रूटर, तो इसके इसके अंदर बिट भी लगा दिया मैंने, और क्योंकि ये देखें इस बिट का क्या हाल हुआ, ये टूट गया है लगा लगा के, ये टूट चुका है। अभी नया लेके आया है भाई ये वाला, तो अभी ये लगाना है। और भाई भी आ चुके हैं, तो अभी इंशाल्लाह काम स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे। फिनिशिंग करके बिल्कुल आज दरवाजे कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ इस बेबी रूटर के साथ अलग पलाई जो ज़्यादा बड़ी होती है, जो फ़र्क होता है, तो उसको बराबर करने के लिए ये चीज़ बेस्ट है ये बेबी रूटर। तो अभी कितना टाइम, सिर्फ 2 मिनट लगे, 2 मिनट में चुटकियों में मैंने इसको पूरे को दोनों तरफ से बराबर कर दिया। सिर्फ अभी इसकी फिटिंग करनी है और इसका कुछ नहीं करना। तो पहले क्या था, अभी तो मशीनरी आ चुकी है, पहले था हाथ वाला रहता, उसको हाथ वाला रंदा घिसका घिसका मतलब वो ही चलाते थे बराबर करने के लिए। यहाँ पे तो हाथ वाला रंदा लगता था यहाँ पे, तो जो हमारे दोस्त कारपेंटर होंगे उनको तो पता होगा, जो नहीं पता जिनको नहीं पता तो उनके लिए ये। तो अभी सब पल्ले जितने भी हैं ये सबको लगाना है। तो कैमरा अभी फिट कर रहा, मैंने कहा चलो साथ करीब करके भी दिखा दो अपने व्यूअर्स को। तो अभी कैमरा सेट करते हैं, तो फिर सबको लगा के फिर आपके साथ। यही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा। यही
सबको कर दिया, तो अभी इसकी फिनिशिंग करेंगे और इसका थोड़ा बहुत मतलब साफ सुथराई का काम जो है, ये बुरात है जो होगा किनारों के ऊपर, फिर एक बार लगेगा और उसके बाद ये लोशन साफ किया जाएगा इस पट्टियों के अंदर जो लगा है। तो अभी ये कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ अपडेट जो होगी काम के देंगे। और मैं आपको जो मैंने नात पढ़ी है, यही तो है जो निज़ाम हस्ती वही चला रहा है, वो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे ओके का यस जा जो भी आपका दिल करे, तो ज़रूर आप लाइक करें ताकि मुझे पता चले और किस किस को मेरी ये बात पसंद आई है। तो मैं इंतज़ार करूँगा, देखूँगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो उम्मीद करता हूँ ऐसी ही वीडियो बनाता रहा। गाइस तैयारी हो गई है अभी जुम्मे नमाज की, तो पहले जो हमने ये तैयार कर लिए बिल्कुल फिट है और कब्जे भी आ चुके हैं, तो आपको कब्जे भी दिखाऊंगा। अभी अलमारी में रखती हैं, तो अभी नमाज का टाइम है, तो हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, सब लोग तैयार हो रहे हैं, तो अभी मैं भी तैयार हो रहा हूँ। तो इंशाल्लाह चलते हैं मस्जिद में जुम्मे नमाज के बाद। मस्जिद के करीब पहुँच रहे हैं, तो नमाज पढ़ेंगे, शाज़े भाई भी साथ हैं, सब लोग साथ हैं, तो अभी जाएंगे मस्जिद नमाज पढ़ेंगे, तो आपको दिखा देता हूँ। जहाँ सामने मस्जिद है नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद फिर खाना खाएंगे, खाने के बाद फिर काम पे आएंगे। आ चुके हैं, तो अभी सोसाइटी में एंटर होने वाले हैं हम लोग। जुम्मा नमाज पढ़ कर कपड़े भी चेंज कर लिए हैं अभी, तो शाजिम किया हुआ है खाना लेने, तो खाना खाएंगे। तो आज बहुत ही मज़ा आया और जहाँ नमाज पढ़ने में बहुत ही रश था, इतना पाँव डालने की जगह नहीं थी इतना यहाँ कराची में। जुमे वाले खास तो बहुत ही रश होता है, वैसे भी होता है जमात के साथ, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर, बहुत ही सुकून मिला दिल को। अल्लाह के घर में जाओ तो सुकून ज़रूर मिलता है, क्योंकि अल्लाह का घर है ही ऐसा, तो वहाँ वीडियो नहीं बना सकता, अलाउ नहीं आज का नमाज पढ़ के माशाल्लाह बहुत दिल को सुकून आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी जुम्मा नमाज पढ़ते होंगे, तो जो नहीं पढ़ता तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जुम्मा नमाज लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि जुम्मा नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। जुम्मा नमाज जो है वो हमारे ईद के बराबर, जैसे कि ईद का दिन होता है और जुम्मे का दिन है बराबर, तो बहुत ही खुशी का दिन होता है, बहुत ही अपना मतलब ईद का दिन होता है। तो अभी शाज़िर दिया हुआ खाना वाना खाएंगे, फिर काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कब्ज़े आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह फिटिंग शुरू करेंगे आज, क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया है वहाँ पे। तो जहाँ पहले काम कर रहे थे जा रही है बारी, तो वहीं जा रहा हूँ वापस, तो अभी वहीं पे भी चेंज चला चल कर थोड़ा सा काम है, कॉल आ गई थी तो उनकी, तो फिर वापस जाना पड़ा, तो यहाँ से काम बंद कर दिया, तो अभी वहीं जा रहा जी। तो मैं फाइनली ही बंगले पर आ चुका था, तो यहाँ छोटा मोटा काम था वो कुछ कर दिया है, और ज़्यादा काम है जो इंशाल्लाह वो कल करूँगा।
तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद बिलाल को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।